वेलकम माय डियर चैनल। मैं अभी जस्ट आप लोग को दिखा रहा हूँ एक स्कूटी है, जैसे स्कूटी और बाइक वॉशिंग क्यों करते हैं और क्यों करना पड़ता है, इसके बारे में आप लोग को थोड़ा जानकारी देता हूँ। क्योंकि क्लीन और जैसे मतलब क्लीनिंग साफ सफाई क्यों करते हैं और उसका क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे स्कूटी वगैरह हो गया या कोई भी गाड़ी या कुछ भी हो, तो उसको साफ सफाई करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब सिर्फ क्लीनिंग है, इसका भी रीज़न है। क्योंकि उसको क्लीन रखने से क्या होता है, इसका लाइफ लॉन्ग होता है। जैसे स्कूटी हो गया या कोई भी बाइक या कोई भी गाड़ी मोकान कुछ भी हो, मतलब उसको साफ सफाई करने से क्लीनिंग करने से क्या होता है कि उसका मतलब लाइफ लॉन्ग या देखने भी खूबसूरत होता है और उसका लाइफ भी लास्टिंग होता है। तो बहुत सारा जगह में देखा कि हमने बहुत सारा सामान को ऐसा ही मतलब क्लीनिंग नहीं करते, इसका वजह से क्या जल्दी ख़राब हो जाता है। जैसे मान लो स्कूटी वगैरह, मेरे पास स्कूटी था तो उसको थोड़ा बहुत सारा ये पड़ गया था, मतलब जैसे आयरन वगैरह लग गए थे, तो उसका वजह से मतलब ख़राब, देखने पे काफ़ी ख़राब हो गया था और मतलब खूबसूरत नहीं लगा था और बहुत जैसे मतलब बहुत पुराना हो गया था जैसे लगा। तो मैं लेके गया वॉशिंग, जहाँ पे वॉशिंग सेंटर में, तो वहाँ वॉश किया, इतना खूबसूरत बना दिया। जैसे ये शैम्पूइंग पहले पानी से ले लिया, इसके बाद शैम्पू कर दिया, शैम्पू का सर इतना मतलब ऐसा करके धोते हैं ना, बहुत खूबसूरत मतलब। इसके बाद में हमने देखा तो बहुत काफ़ी खूबसूरत लगा। तो तभी मैंने ये थोड़ा जानकारी देने के लिए मैं सब लोग को मैं सोच के मैं ये वीडियो बना लिया कि चलो यार हमने क्या है काफ़ी सारा पेंटिंग करने के बाद बहुत अच्छा लगा, देखो मतलब इतना अच्छा। और दूसरा साइड में ये कर रहा था, उसको पॉलिशिंग बोलते हैं, उसको तेल बेल लगा कि इतना क्लीन करता है ना, देखने में इतना खूबसूरत लगता है और बहुत ही अच्छा होता है। जैसे मेरा ये स्कूटी था, उसको क्लीनिंग कर रहा है, उसको खींचा खींच के और धोया, तो बहुत काफ़ी खूबसूरत से अच्छा तरफ से धोया मतलब। तो मैं भी यार अच्छा लगा, चलो फिर बहुत अच्छा तरफ से धो रहा है अभी। तो मैं देखते देखते मुझे खुश लगा, तो जैसे एक साइड से देखने लगा तो पानी देने के बाद इतना क्लियर लगा ना पूछो मत। और इसके बाद देखो सही तरफ से धो रहा है अभी, बहुत क्लीन मतलब इतना मतलब। हाँ, ये पता चलता है कि अभी क्लीन करने में जैसे धोने में क्या होता है कि एक गाड़ी वगैरह कोई भी, इतना अच्छा लगा मतलब एक शैम्पूइंग करते कैसे धोते धोते। और ये धोने का बाद क्या होता है, गाड़ी बहुत क्लीन होता है। तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, देखो इतना अच्छे तरह से धोया और धोने का बाद बहुत क्लीनिंग हो गया। और इसको ना जैसे शैम्पू का धोने के बाद क्या करते हैं, इसको अभी थोड़ा टाइम के बाद देखिए ज़रा पानी डाल देंगे। एक्चुअली शैम्पू से क्या होता है ना, जितना भी आयरन वगैरह है या कुछ भी जेम्स वगैरह, वो मतलब धोने में अच्छा होता है मतलब। इसके साथ जानते तो है ना आप लोग, जैसे हैंड वॉश में जैसे डेटॉल यूज़ करते हैं, नहाने में शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि जितना भी कचरा वगैरह या कुछ भी हो, वो मतलब जेम्स वगैरह वो निकल जाता है और काफ़ी सारा वो क्लीनिंग्स होता है। तो इसके लिए हमने शैम्पू, देखो कितना खूबसूरत लगा अभी शैम्पू डालने के वजह में, इतना मैं ऐसा सोच नहीं रहा था कि ऐसा होगा करके। तो इसलिए देखो वॉशिंग करो। और एक्चुअली क्या है ना, एक हर चीज़ को सोच के बनाया, क्योंकि जैसे हमें बोलते हैं ना कोई एक इस्तेमाल करने के लिए जानना ज़रूरी है, कैसे करें कैसे इस्तेमाल करें हर चीज़ से। तो अगर कोई भी सामान है, हमें जितना भी यूज़ करते हैं उसको इस्तेमाल करना है और उसको इसका ऊपर हम कैसे मतलब अच्छे तरह से उसको हमें ये करना है। देखो कितना खूबसूरत लगा अभी, तो ये अभी पानी दे रहे हैं अभी, देखो क्लीनिंग कर रहे हैं अभी बहुत सारे मतलब अच्छे तरफ से। और वाह मतलब सुपर मतलब वाह, ऐसा जैसे जितना भी कचरा वगैरह ना उससे पूरा क्लीनिंग हो जाएगा। देखो ज़रा अभी हो रहा है क्लीनिंग, छक्का वगैरह में भी तो काफ़ी सारा कचरा लग गई थी, तो बहुत अच्छा लगा। देखो एक सो क्यूट लगा मतलब ये, वाह इतना अच्छा लगा मतलब वो बोल मतलब जब दिया था ना तभी ऐसा लगा था गाड़ी मतलब ऐसा लगा था तो स्कूटी कितना ख़राब हो चुका था। तो अभी जैसे वो लोग ने मुझको बोला भी है, तो जाते समय बोला कि इसको आप वॉशिंग करो और इसको मतलब पॉलिशिंग कर दीजिए, तो उसको बहुत काफ़ी खूबसूरत और सो क्यूट है वो मतलब, उसको कुछ नहीं करना। एक्चुअली ये ख़राब देखा इसलिए कि आप लोग ने क्लीनिंग नहीं किया ऐसा कह रहे थे। तो मैंने बोला अच्छा कैसे क्लीनिंग करता है, देखो कि आप बैठ के नीचे बैठ के मतलब इतना खूबसूरत मतलब क्लीनिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। देखो मैं इसको बोला कि मैं वीडियो करके दिखाता हूँ ताकि दूसरा आदमी लोग भी वॉशिंग करे और सब गाड़ी वगैरह को सही तरफ से सजाए अच्छा करे,
तो उसके लिए हमने भी बोला, और देखो बहुत सही तरह से किया। और मुझे को बोला करते तो आप टेंशन में आप बैठिए आप, नहीं तो ना, नहीं, मैं बोला कि नहीं मैं वीडियो बना लेता हूँ ताकि आदमी लोग को समझ में आ सके कि सर्विसिंग और वॉशिंग और पॉलिशिंग करना तो क्या क्या होता है गाड़ी वगैरह। देखो कितना सो क्यूट लगा, वाह बहुत सुंदरता लगा। देखो ये गाड़ी वगैरह उठा के और सब साइड में ठूया। पिछली बार जैसे गाड़ी का नंबर प्लेट वगैरह दिखाई नहीं दे रहा था, अभी तो सही दिखा हुए, बहुत अच्छा लगा। देखो तो ये है, देखो अंडर वो खुल के भी धोया, तो इससे क्या होता है सारे क्लीन होता है, इसका लॉन्ग लाइफ लॉन्ग होता है। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम कुछ भी सामान ख़राब हो गया तो उसको भी हम देख सकते हैं और उसको क्लीन कर सकते हैं और सेंस कर सकते हैं। और जैसे मतलब वॉशिंग नहीं करने से या क्लीनिंग नहीं रख सकते, जो अच्छा ख़राब उसको इतना पता चलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी लुक ने देखो माय डियर लुक ने अच्छा तरह से धो दिया और बहुत सही तरह से क्लीनिंग कर रहे हुए कर भी दिया, आधा तो आधा तो हो ही गया। तो इसलिए देखो वाह सो सुपर लगा, ऐसा लगा मतलब बहुत क्यूट। हमने ऐसा नहीं लगा था कि ये कैसे अच्छा होगा, ये सोच रहा था हम, नहीं है बोला नहीं है तनसर मतलब ये मैं आपको क्लीनिंग करता हूँ और पुलिसिंग करता हूँ तो गाड़ी को बहुत क्यूट दिखेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर ना सो क्लीनिंग रखने से क्या होता है कि हर सामान का लाइफ लॉन्ग होता है। तो इसलिए हम अब था थोड़ा लंबा तरीके से मैं थोड़ा बोला, आप लोग देखते रहिएगा सो